नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुजरात के नरोदा पाटिया दंगा मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की गवाही। दंगे के समय विधानसभा और अस्पताल में मेरे साथ थी माया कुरनानी। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है रोहिंग्या मुसलमान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रोहिंग्या मामले में न्यायालय लेगा निर्णय। राजधानी दिल्ली के विकास मार्ग से अलकायदा का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। पाकिस्तान के बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बीमार पत्नी बेगम कुलसुम नवाज लाहौर नेशनल असेंबली उपचुनाव में विजयी। तमिलनाडु लोकसभा अध्यक्ष ने दिनाकरण गुट के 18 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया। राजधानी दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ ने खुदकुशी की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़, दो नक्सली मार गिराए। मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद। पूर्व वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। असम के गोवालपाड़ा जिले में तूफान के कारण नाव पलटने से 10 लोगों की मौत, 3 लापता। डोनाल्ड ट्रंप की उत्तर कोरिया चेतावनी, परमाणु एवं बैलिस्टिक मिसाइल अभियान खत्म नहीं किया तो नष्ट कर दिया जाएगा। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।